नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे से प्रसारित हुआ। यह एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो स्टेशन सहित 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट हुआ है। मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी और लोगों से संवाद भी स्थापित किया। देश से बात का ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी की मन की बात, मन की बात का 100वां एपिसोड, 2014 से मन की बात की शुरुआत, 300 मदरसों में पीएम की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात, जो कि रेडियो पर प्रसारित होती है, इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में काफी तैयारियां की गई हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खास है। वहीं इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने के लिए कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें पीएम मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अधिकारियों से मुलाकात करते भी पीएम मोदी नजर आए। मन की बात कार्यक्रम का ऑन एयर से पहले का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया है। मन की बात की खासियत की बात करें तो इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी पूरे देश से अपने मन की बात साझा करते हैं। मन की बात इस खास कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई और आज इस खास कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो गया है। पीएम का देश से बात का यह ऐतिहासिक पल रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, बीते 9 सालों में पीएम के इस कार्यक्रम को 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए कुछ न कुछ नया जानते और सीखते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम की सबसे खास बात है कि पीएम सीधे ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वे देश और समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से वे संवाद करते हैं जिनके सामाजिक या क्रिएटिव कामों के खुद पीएम मोदी मुरीद रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी और कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आप सभी के लाखों पत्रों को पढ़कर मैं बहुत भावुक हुआ, ये कार्यक्रम मेरे लिए एक पर्व बन गया है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम ने मुझे आपसे जोड़कर रखा है। इस कार्यक्रम के जरिए मैं अपने विचार आपकी सोच से वाकिफ हो सका। आप सभी के संदेश मुझ तक पहुंचते थे, इनके जरिए कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आपसे दूर हूं। ये मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूजा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस कार्यक्रम में कई बार इस कदर भावुक हुआ कि दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। मेरे लिए सफर बेहद खास और महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में देश भर की मीडिया, खासकर न्यूज चैनल्स को धन्यवाद किया। साथ ही पीएम ने अन्य मीडिया माध्यमों का भी आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम देश भर में सुना गया। इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत से खास इंतजाम भी किए थे। वहीं मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में पीएम ने देश के अलग अलग जगहों में रहने वाली प्रतिभाओं से बात की। बता दें कि ये कार्यक्रम लोगों की जिंदगी में बदलाव का जरिया बन रहा है और लोगों को अच्छे काम की ओर प्रेरित कर रहा है। इस खास कार्यक्रम को 52 भारतीय भाषाओं और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित भी किया जाता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।